आप देख रहे हैं यूएनटी, मैं हूं रवि शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं जम्मू के प्रेस क्लब के एग्जीबिशन ग्राउंड में। आपको बता दें, ये मेरे ठीक पीछे मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे कि ये जो युवा आप देख रहे हैं, ये युवा देशभक्त युवा है और इनके हाथों में तिरंगे हैं और ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनके प्रदर्शन की वजह क्या है वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि ये SDRF के सिलेक्टेड कैंडिडेट थे, ग्राउंड इन्होंने पास किया था, हालांकि इनका जो सिलेक्शन थी वो यहाँ पर नहीं हुई। और इनके कुछ आरोप हैं कि जो डिपार्टमेंट है, होम डिपार्टमेंट की बात करें तो उसके द्वारा 2012 में एक भर्ती जो थी वो निकाली गई थी, नोटिफिकेशन निकाला जाता है। और उसके बाद 6 साल की बात करें तो 6 साल के बाद 2018 में जो है वो उस भर्ती को किया जाता है। और उसके बाद भी कुछ कैंडिडेट जो है पिक एंड चूज की पार्टी यहाँ पर हुई है। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जो उम्मीदवार थे, उनसे हम बात करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम राजेश कुमार ठाकुर है, मैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से बिलोंग करता हूँ। राजेश जी, जिस तरह से 2012 में नोटिफिकेशन निकलती है, 6 साल वो फाइल पता नहीं कहाँ चली जाती है, 2018 में जाकर भर्ती होती है और आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आपके प्रदर्शन का मुख्य कारण क्या है? हमारे प्रदर्शन का मुख्य कारण ये है कि 2012 में जब होम डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन निकालता है तो नोटिफिकेशन निकालने के बाद इनने उस टाइम कोई भी वैकेंसी शो नहीं की, और 6 साल का जो गैप होम डिपार्टमेंट ने डाला है और 2018 में हमारी भर्ती होती है, और भर्ती होने के बाद ये लोग क्या करते हैं कि 355 पोस्टें जो हैं वो शो करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं एक सवाल आपसे करूँगा। जिस तरह से आपने कहा कि उस समय ये पोस्टें निकाली गई, वैकेंसी शो नहीं की गई, अभी वैकेंसी जो शो की गई है, इससे आपको क्या नुकसान हुआ? वैकेंसी पहले ना शो करने से 355 पोस्टें हुई। अगर इन्होंने पहले वैकेंसी शो की होती, 355 वैकेंसी अगर इन्होंने शो की होती पहले, और इन्होंने इसके बाद उनके बाद उन्हें रिटर्न टेस्ट रखना था। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर इन्होंने रिटर्न टेस्ट रख लिया होता बच्चों का, मुझे कोई दुख नहीं होता, मैं भी इसमें नहीं आता, मुझे कोई दुख नहीं था, या ये बच्चे नहीं आते, हमें कोई अफसोस नहीं। लेकिन 6 साल का जो होम डिपार्टमेंट ने हमें गैप डाला, हम लोग एवरेज है 34 एज मेरी अभी है, इन जो पीछे बच्चे जम्मू रीजन के जो बच्चे मेरे साथ खड़े हैं, इन लोगों की भी एज अभी 30 साल से ऊपर है, कोई 35 साल का, कोई 32 साल का, कोई 31 साल का है। तो होम डिपार्टमेंट अपने दिल में ये सोचता होगा कि 6 साल तक इन बच्चों ने क्या किया। मैं होम डिपार्टमेंट को ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि 6 साल में मैं अपनी बात करूंगा, मैंने 31 भर्तियां मैं सिलेक्टेड हूँ। आर्मी की मैंने 8 भर्तियां देखी हैं, पुलिस की मैंने 5 भर्तियां देखी हैं, SSB की देखी हैं, SSC की देखी हैं। अगर आपको विश्वास नहीं आता है, मेरे पास जो रिटर्न टेस्ट की जो कॉपियां होती हैं। अभी अभी आपके साथ ये सारे जो लोग खड़े हैं, क्या इन सब ने जब आपका भर्ती हुई थी ग्राउंड जो था वो आपका क्वालिफाई है? हाँ बिल्कुल, सिलेक्टेड है हम उसमें, लेकिन इन्होंने हमारे साथ धोखा ये किया है कि हमारा उसमें नाम ही नहीं आया। इन्होंने रिटर्न टेस्ट रखना था, हाइट वाले से क्या मैटर रखना था, गरीब है हम, गरीब घरों से ताल्लुक रखते हैं। ये जो मेरिट आप कह रहे हैं जी, 355 लोगों को जो इसमें सिलेक्ट किया गया है, बहुत से लोगों से जिन्होंने ग्राउंड जो था वो बात किया, उसके बाद उनको किस मेरिट के आधार पर सिलेक्ट किया गया है? सर, इसमें इन्होंने ऐसा किया कि ग्राउंड के जो नंबर हैं, जिसके 20-22 नंबर हैं या 24 नंबर हैं, उसके बाद उसका हाइट का मैटर रखा, इसकी हाइट कितनी है, और उस हाइट और ग्राउंड के नंबर मिला के इन्होंने मेरिट लिस्ट में नाम डाल दिया। और हम तो, आप देखो, मैं अपनी बात करूंगा तो मेरे 20 मार्क्स हैं, 20 नंबर हैं। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जब इन्होंने नोटिफिकेशन निकाली थी, मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस उसमें लगाया था, PSP लाइसेंस 2012 में मायने रखता है। इन्होंने फिर अगर हाइट और इसका मैटर करना था, फिर इन्होंने NCC के बच्चे भी लिए, स्पोर्ट्स वाले भी लिए, क्या डिपार्टमेंट इतना अंधा हो चुका है? फिर इन्होंने मेरा भी इसमें नाम देना था, अगर मेरा नाम नहीं आया मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन अवरेज कैंडिडेट है सर, अवरेज कहाँ जाएंगे? अब देखिए, जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जिस तरह से 2012 में जब ये नोटिफिकेशन निकाली गई थी तब तो यहाँ पर सरकार थी, अब की बात करें तो यहाँ पर राज्यपाल जो है वो सब कुछ देख रहे हैं, और 2018 में शायद उस समय राज्यपाल जी थे जब ये भर्ती हुई थी। तो राज्यपाल सत्यपाल मलिक की बात करें, जब से वो जम्मू में आए हैं बहुत से काम उन्होंने ऐसे किए हैं, बहुत से लोगों के मसले हैं जो वो सुलझाए हैं, तो आप क्या अपील जो है करना चाहेंगे? आपके पास कोई इसके अलावा क्या चारा बचा है अभी, क्योंकि आप लिस्ट तो निकल चुकी है, शायद जॉइनिंग भी जो है वो हो चुकी होगी। मैं आपके माध्यम से ये माननीय गवर्नर साहब को ये कहना चाहता हूँ कि आप जम्मू कश्मीर के अभी राज्यपाल हो, मैं आपके मीडिया के माध्यम से उनको ये कहना चाहता हूँ कि आपने जम्मू में हॉस्पिटल दिए हैं, अच्छे अच्छे स्कूल दिए हैं, सड़कें अच्छी बन रही हैं, हर काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि गवर्नर साहब उतना कौन सा बड़ा जुल्म कर दिया अवरेज कैंडिडेट ने? अगर प्रोटेस्ट किया, आप हमारा प्रोटेस्ट हमारी न्यूज़ें देखते हो, उसको निखार लेते हो, क्यों? यहाँ पे गरीब बच्चे खड़े हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ पे खड़ा है, आपसे फ्री में तो मैं जॉब नहीं मांग रहा हूँ, या मेरे को, मैं तो कोई नेता नहीं बनना चाहता हूँ भाई, हमने दौड़ लगाई है, घुटने तोड़े हैं अपने, हम आपसे नौकरी मांग रहे, फ्री में नहीं मांग रहे, सिलेक्टेड कैंडिडेट है, लेकिन आपने हमारी बात ही नहीं सुनी। मेरे नाम के आप फैक्स देखो,
अपने ऑफिस में राजेश कुमार ठाकुर के नाम से। आपने क्या राज्यपाल से मुलाकात करने की, आप सब लोग जो थे जो ये आरोप लगा रहे हैं कि आपके साथ माइक साथी है, क्या आपने राज्यपाल से बातचीत करने की कोशिश की? बिल्कुल नहीं कोशिश की। नौ अप्रैल 2018 को मुझे कॉल आती है गवर्नर हाउस से कि आप राजेश कुमार ठाकुर बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ सर मैं राजेश कुमार ठाकुर बोल रहा हूँ। बोला आप जाके केवीजे कुमार जी के साथ सेक्रेटरी जाके मिले। और जब मैं अपनी पूरी टीम लेके, ये जो एवरेज कैंडिडेट है ये लेके मैं सेक्रेटरी गया, और सेक्रेटरी में क्या होता है कि हमें प्राइवेट सेक्रेटरी से मिलाया जाता है, और प्राइवेट सेक्रेटरी लिख के देता है कि आप जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है एडवाइजर का आप उससे मिलिए। और हम उसके ऑफिस में भी गए, वो छुट्टी चली गई थी कश्मीर चली गई। तीन बार मैं सेक्रेटरी गया हूँ, डॉक्टर जितेंद्र साहब के पास गया हूँ, रविंद्र रैना जी के पास मैं गया हूँ। लेकिन रैना जी की बात करें या दूसरे नेताओं की आप बात करें, डॉक्टर जितेंद्र तो हम बात नहीं करेंगे, जम्मू की बात करें तो नेताओं के पास अब सिर्फ सिवाय दिलासे के देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आप सब कुछ जो है वो यहाँ पर राज्यपाल ही देते हैं। तो मैं आपके माध्यम से माननीय गवर्नर साहब को ये कहता हूँ कि माननीय गवर्नर साहब आप हम इन ये जो यहाँ पे गरीब बच्चे हैं इनके बारे में आप सोचो, और एवरेज कैंडिडेट का लिस्ट जो है दस्ती जल्द से जल्द घोषणा की जाए। आपको बता दें कि ये लोग जो है 2012 में जब इन्होंने अपने फॉर्म जो थे वो लगाए थे और एक इंतजार ये कर रहे थे, और 6 साल के लंबे इंतजार के बाद ये लोग जो है भर्ती उसकी हुई उसके बाद। लेकिन अभी इनका आरोप यह है कि पहले वैकेंसी शो नहीं, और इनके साथ पक्षपात किया गया है, और पिक एंड चूज की पार्टी जो है वो यहाँ पर चली है। आखिर एक 6 साल लंबा वक्त होता है। देखिए जिस तरह से 2012 में फॉर्म लगे थे और 2018 में जाके भर्ती, ये 6 साल का लंबा अरसा था। अब आप कह रहे हैं कि ओवरेज हो गए, उस बीच में क्या आप कुछ और काम भी करते हैं या आप इसी के इंतजार में थे कि हम भर्ती जो है वो हो जाएंगे, क्योंकि आपका रोन जो था वो आपने पास कर लिया? सर हम दो जो 6 साल 2012 से 18 तक सर हम मेहनत मजदूरी की हमने, और हमें मेहनत भी करते दिहाड़ी लगाते, हमें इंतजार था इस चीज़ का कि हमारी भर्ती आएगी, क्योंकि हमने बटालियन के लिए अप्लाई किया था, फर्स्ट बटालियन श्रीनगर और सेकंड बटालियन जम्मू के लिए अप्लाई किया था। हमें पता था कि इसमें हमारा नंबर आएगा, जब भी भर्ती होगी तो क्वालिफाई करके हमारा नंबर आएगा। लेकिन ऐसा किया नहीं इन्होंने 2012 में, इन्होंने पोस्टें मेंशन तो की नहीं थी, लेकिन जब फिजिकल हुआ हमारा 18 के बाद तब इन्होंने 355 पोस्टें की, क्योंकि 2000 कोई भी किसी भी भर्ती के लिए जब फॉर्म निकला है तो उसमें पोस्टें साथ में मेंशन की जाती है, लेकिन इन्होंने ऐसा भी नहीं किया। और बाद में इन्होंने क्या कर दिया कि मेरिट बना दिया 6-6 फुट लड़कों का, 6-6 फुट लड़कों को मेरिट अगर बनाना था तो इन्होंने नोटिफिकेशन के लिख के देना था कि हमने सिर्फ 6-6 फुट लड़के लेने थे। इन्होंने सरासर धोखा किया। और हम मेरा आखिरी सवाल रहेगा, क्या अपील आप राज्यपाल से करना सर? हमारी अपील ये है कि जो हमने 6 साल हमारे वेस्ट किए और जो 6 साल की पोस्टें आपने दबा के रखी है उन पोस्टों को इंक्रीज करो, और जो ओवरेज कैंडिडेट है उनको एडजस्ट किया जाए। हमसे बातचीत करने के लिए ये थे हमारे साथ है SDRF कुछ कैंडिडेट जो कि लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और इनका साफ तौर से ये कहना है कि 2012 में जो फॉर्म जो है वो निकलते हैं और 2018 में ये भर्ती जो है वो होती है, और वहां पर भी जो पिक एंड चूज है उसकी पॉलिसी की गई है। और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक की बात करें तो अक्सर ये कहा जाता है कि जो राज्यपाल हैं वो सबकी बात सुनते हैं, सबसे मिलते हैं, लेकिन इनकी शिकायत जो है वो राज्यपाल से है कि इन्हें मिलने का वक्त नहीं दिया गया। कैमरामैन रमन कुमार के साथ रवि शर्मा, UNT जम्मू।